नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि जब चुनावों का समय आता है तो हम देखते हैं कि खबरें ऐसी आती हैं कि नेताओं की तरफ से नोट बांटे जा रहे हैं और नोट के बदले वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में ना ही कुछ होता था, ना ही ऐसी खबर सुनी जाती थी। और आपने वो केजरीवाल का जुमला तो सुना ही होगा, जब केजरीवाल साहब दिल्ली के सीएम ये कहते थे कि नोट किसी से भी लीजिए लेकिन वोट हमें दीजिए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बात अगर तेलंगाना की करें तो तेलंगाना के सांसद को सजा मिल रही है, क्योंकि सबूत सामने रखे गए सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दे दिया गया कि अब सजा मिलेगी तेलंगाना की सांसद को और 6 महीने की उन्हें सजा मिल रही है। दरअसल आरोप यही था कि नोट के बदले वोट मांगा गया था, और जब आरोप सिद्ध हो गया तो अब उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। और अब अगर कोई भी नेता नोट बांटने के चक्कर में लगता है और उस पर पर्याप्त सबूत पाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है या किसी भी कोर्ट के अंदर जाता है, तो जेल की हवा तो नेता साहब को खानी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद पहली बार सामने आ रही है। दरअसल आरोप ये था कि 2019 के आम चुनाव के दौरान वोट के लिए रिश्वत देने का उन्हें दोषी माना गया था। 10,000 रुपये जुर्माना भी लगा है कोर्ट की तरफ से। और दरअसल ये भी आदेश दे दिया गया कि अगर आगे भी कोई ऐसा नेता करते पाया जाता है तो उसे भी कोर्ट सजा देगा, और कड़ी फटकार भी दरअसल लगाई गई है। आरोप ये था कि 500 रुपये के बदले वोट मांगा जा रहा था, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी होगी और जेल की हवा खानी पड़ेगी। फिलहाल अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये खबर बतानी जरूरी समझी, क्योंकि चुनाव का समय है, नेताजी फिर आपके द्वार पर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे जरूर, लेकिन नोट जब वो देने लगे तो कहिएगा भैया विकास कर दीजिए, हम आपको वोट दे देंगे लेकिन नोट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर नोट नेता साहब देंगे तो खुद ही जेल की हवा खाएंगे। फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतना ही, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।